السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله योम ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن तबल इस्लामी और दीनी भाइयों मौजू वक्त के एतबार से बहुत हसास है और इस मौ को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है एक हिस्सा सुनन पर मुश्तमिल है अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा जो सुन्नतें हैं माह मुहर्रम में उनसे मुतालिक है और दूसरा हिस्सा इस महीने के अंदर दो गिरोह की जानिब से जो बदातें माह मुहर्रम में दर आई हैं घुस आई हैं उससे मुतालिक है माह मुहर्रम इस महीने का नाम मुहर्रम अल्लाह ने रखा हुआ है सबसे पहले हम कुरान की आयत को लेते हैं और उससे ये वजाहत तलब करते हैं कि वो कौन से महीने हैं जिनको अल्लाह व तआला ने मुहतरम करार दिया है अल्लाह आलमीन ने कुरान मुकद्दस के अंदर इशात फरमायाद तशहर इन शाहनफी किताबिल्ला के महीनों की तादाद किताबुल्लाह में Allah के नजदीक बारह है मफहम है, है। भी समझ रहे होंगे आप आयत का अब कुरान की तफसीर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसोल ने भी फरमाई है भाई कुरान की तबसर के कई उसलूब हैं कि कुरान खुद किसी दूसरी आयत की तफसीर कर दे कि कुरान की तफसीर कुरान की दूसरी आयत से हो जाए यह भी एक तरीका है तफसर का और कुरान की तबसर का दूसरा तरीका दूसरा उसलूब यह है कि किसी आयत की शरह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसोल्ला वसम फरमा दे जैसा कि मजकूरा आयत की तफसीर हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चार चारत वाले महीने ये हैं मुतवालियात, तीन महीने लगातार हैं मुसलसल हैं, जिकायदा जिल्हिजा इसको जिल्हिज भी कहा जाता है हज वाला महीना और तीसरा महीना जिसमें हमने और आपने अभी अभी कदम रखा है मुहर्रम का महीना और चौथा महीना जी हाँ रजब का महीना ये चार महीने जो हैं ये हरमत वाले हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमा दी हदीस के अंदर लेकिन अहले इल्म ने कहा है कि इन चार हरमत वाले महीनों में भी सबसे ज्यादा फौकीत बरतरी फजीलत अगर किसी महीने को हासिल है तो वो कौन सा महीना है मुहर्रम का महीना है क्यों क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको क्या नाम दिया है शहरुल्लाह शहरुल्लाह अल मुहर्रम अल्लाह के नबी सलाम फरमाए ये अल्लाह का महीना है इसीलिए इमाम इब्ने रजब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कद सम्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाद शहरा शहर अल्लाह कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने का नाम शहरुल्लाह रखा है क्यों इला तशरीफी ही निस्बत करते हुए इसकी शर्फ की तरफ इशारा करते हुए वजाहत करते हुए कि जिस चीज की नस्बत अल्लाह अपनी तरफ कर ले तो वो चीज मखसूस हो जाती है और वो इजाफत इजाफत तशरीफी होती है शर्फ हो वाली नस्बत जैसे मिसाल के तौर पर आप क्या कहते हैं बैतुल्लाह अल्लाह का घर है कि नहीं तो ये इजाफ भाई बैत बैत के माने घर के होते हैं अरबी में भाई हमारा भी घर है आपका भी घर है ये मस्जिद है ठीक है लेकिन बैतुल्लाह जब मुराद लिया जाता है तो इससे मुराद क्या होता है खाने काबा मुराद होता है है कि नहीं तो ये इजाफत जो है इजाफत तशरीफी है इसी तरह अल्लाह रब्बुल रबीन ने कहा नाकतुल्लाह की ऊटनी भाई अल्लाह ताला की सब ऊंटनियां है, है कि नहीं अल्लाह ही ने तो पैदा किया सारे ऊंटों को और ऊंटनियों को लेकिन अल्लाह ने जरतल सलातम को मोजे के तौर पर पहाड़ से निकाल करके जो ऊंटनी अता की थी हामला ऊंटनी तो उसकी नस्बत अल्लाह रबीन ने अपनी तरफ की है क्यों वह इस बात पर दलालत और वजाहत करती है कि इस ऊटनी की फजीलत दूसरी ऊटनियों से ज्यादा है भाई कौम साले के अंदर जो ऊटनियां बहुत सारी थी कि नहीं थी लेकिन चूंकि अल्लाह ने खुद पहाड़ के दरमियान से उसको निकाला तो अल्लाह ने उस ऊटनी की नस्बत खुद अपनी तरफ की कि यह अल्लाह की मखसूस ऊटनी है और जब किदार बिन सालिफ जो एक बदबخت शख्स था कौम कौम समूद में से उसने उस ऊटनी की टांगे कूचे काट डाली और उसकी वजह से फौरन तीसरे दिन अल्लाह व तआला ने जाब उन पर नाजिल फरमाया तो यह जो नस्बत की जाती है बैतुल्ला नाकतुल्ला शाहरुल्ला नस्बत कौन सी नस्बत है नस्बत तशरीफी यानी शर्फ वाली नस्बत तो अल्लाह रबालमीन ने यह नस्बत सिर्फ और सिर्फ मुहर्रम के महीने की तरफ की है जैसा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसुल्ला ने उसकी वजात पाक के अंदर फरमा दी है अल्लाहन ने आगे फरमाया लोगो ये सीधा दीन है इसमें जर्रा बरा और भी पेड़ नहीं है जर्रा बरा और भी कची नहीं है जो भी चीज आप पाएंगे साफ सुथरी पाएंगे आप किसी भी किस्म की कोई भी गुंजलक बात है ही नहीं क्योंकि हर चीज की वजाहत अल्लाह ने और उसके रसूल जनाब महम्मद रसुल्ला सल्ला ने फरमा दिए लिहाजा किसी भी किस्म की गुंजलक मौजूद है ही नहीं और अगर कोई ये दावा करता है कि नहीं फला आयत फला आयत से तारुज रखती है फला हदीस फला आयत से टकराती है तो ये गुंजलक उसके जहन में है उसकी अकल की खराबी है या उसकी अक्ल जो है नाकिस है वो समझ नहीं पा रहा है उसको जो है उलमा के यहां लेकर के पहुंचे उसको बताएंगे कि किस तरह सलफ ने फला आयत को फला आयत से समझा है या फला आयत को फला हदीस से समझा है उसके बाद आलमीन ने फरमाया फला लोगो तुम इन महीनों के अंदर खुद पर जुल्म ना करो ने चार महीने मोहतरम बनाए हैं यूं तो तमाम महीने अल्लाह आलमीन के बनाए हुए हैं और सब मोहतरम है एक एतवार से क्योंकि तो किसी महीने में अल्लाह ने इजाजत नहीं दी कि आप गुनाह करें भाई तो किसी महीने में कोई महीना खास है कि आप गुनाह करें इजाजत नहीं है ना तो सारे महीने मोहतरम हुए कि नहीं किस एतवार से क्योंकि तो हर महीने के अंदर जो अयाम है जो दिन है जो डेज हैं उनके हर दिन के अंदर नमाजें फर्ज है पांच वक्त की नमाजें आप पढ़ रहे हैं फिर जुमा का दिन भी आता है इस एतवार से अल्लाह की इबादत के एतवार से हर महीना मोहतरम है लेकिन कुछ महीने ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने मजीद जो है फौकियत और बरतरी अता की हुई है अब इनको मोहतरम क्यों कहा गया दरअसल अल्लाह आलमीन ने इन महीनों के अंदर मना किया था कुरैश को कि वो किताल करें झगड़ा करें लड़ाई लड़ें और जो कुफारे मक्का थे कुरैश के लोग थे ज़माने जाहिलियत में उन्होंने एहतराम नहीं किया इस चीज का उन्होंने क्या किया किसी महीने को आगे कर दिया अपनी तरफ से और किसी महीने को पीछे कर डाला उसमें उन्होंने डबल अल्लाह की नाफरमानी की एक तो ये मोहतरम महीने थे दूसरे ये जब मोहतरम महीने थे वो तो उनको अब जरूरत नहीं थी उसके अंदर किताल करने की लेकिन वो अपनी मनमानी करते हुए अपनी मर्जी से महीने को आगे पीछे कर डालते थे अब जैसे मिसाल के तौर पर जिकादा का महीना पहले आता है अब वो क्या करते थे कि नहीं चलो इस साल जो है ये जिकादा का महीना नहीं है पहले हम इसको जिलहिज्जा का महीना बना देते हैं और बाद में उसको उन्होंने जो है दा का महीना बना बना दिया तो इस तरह उन्होंने तकदीमो तखीर करके भी कुफर किया तो अल्लाह सुबहाना तला ने सख्ती से उनको मना फरमाया कि इन ये मोहतरम महीने हैं इनके अंदर तुम अल्लाह सुबहाना तला की इबादत करो और इन महीनों का एहतराम करो और खुद पर जुल्म ना करो अब दो हिस्से जो हमने तकसीम किए हैं अपने मौजू में पहला हिस्सा है सुनन का वो कौन सी सुनन है कौन सी सुन्नतें हैं जो अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माह मुहर्रम में साबित हैं मरफू अहादीस की रोशनी में सबसे पहले सुनन क्या है सुनन सुनन ये सुन्नत की जमा है सुन्नत के माने क्या होते हैं तरीका और इतलाह में जब सुनन और बिदात दोनों एक साथ जमा होते हैं तो उसका माना याकीदा के यहाँ मुख्तलिफ होता है उस सुन्नत से जो फुका की इस्तिलाह में होती है हमारे यहाँ अकीदा जो अकीदे केमाए है, स्पेशलिस्ट हैं मुतसन हैं, उनके यहाँ सुन्नत कहते हैं कि हर वो हदीस जिसकी नस्बत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसोल्ला की तरफ की गई हो इस तौर पर कि वो आप का कौल हो आपकी बात हो वो भी सुनत है नबी का सुन्नत है इसी तरह अल्लाह के नबीम कोई कोई है? है। के, के सामने मौजूदगी में आपकी जिंदगी के अंदर कोई बात कही किसी साहबी ने और आप उस, आपने उस पर खामोशी इख्तियार की या ये कि किसी ने कोई आप के सामने काम किया और आप खामोश रहे ये भी सुन्नत के अंदर दाखिल है अब माहे मुहर्रम में वो कौन सी सुन्नतें हैं जो मशरू हैं और कौन सी ऐसी बिदाते हैं जिनको बाद के लोगों ने ईजाद किया है बिदत का तारुफ हम बाद में करेंगे पहले सुन्नत को लेते हैं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके आए कदीमीसूम अल्लाह के नबी वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो आपने यहूदियों को देखा कि वो रोजा रख रहे हैं किस तारीख का रोजा था ये जी आशूरा जिसको कहा जाता है क्या कहा जाता है अरबी में आशूरा उसको कहा जाता है यानी दसवीं मुहर्रम का वो लोग रोजा रख रहे हैं तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने उनसे पूछा, पूछा और बाद रिवायतों में आता है खुद आप ने से पूछा कि तुम किस वजह से ये रोजा रखते हो या मालूम यह हुआ कि अल्लाह के नबीम को उस तल्लु से वही अब तक नहीं की गई थी कि किस वजह से ये रोजा रखा जा रहा है सब मालूम नहीं था कि यहूदी रोजा रखते हैं यह पता था लेकिन किस वजह से रखते हैं ये सब अल्लाह के नबी वसल्लम को पता नहीं था इसलिए अल्लाह के नबी वसल्लम ने सवाल किया पूछा किया कि किस वजह से ये लोग रोजा रख रहे हैं आशूरा का तो यहूदियों ने कहा कौमिही कि ये वो दिन है यहूदी कहते हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो दिन है जिस दिन में अल्लाह रब्बुल ला आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो और बनी इसराइल को फिरौन और उसकी कौम पर गलबा अता किया यानी अल्लाह रब्बुल ला आलमीन ने फिरौन को बहर अहमर में डुबो दिया गरकाब किया और उसके लश्कर को डुबो दिया जैसा कि आप जानते हैं कि जब ने बहुत ही ज्यादा जुल्म ज्यादा की बनी इसराइल पर बहुत ही जबरदस्त उसने जुल्म, जोर, सरकशी, बगावत अदावत दुश्मनी और जितनी भी बुरी चीजें हो सकती हैं उन सब बुरी मुसीबतों के पहाड़ को उसने मूसा सलातम की कौम बनी इसराइल पर तोड़ा और उसने बनी इसराइल को इस कदर कमजोर कर दिया था इस कदर कमजोर कर दिया था कि अगर किसी किबती को वो देखते फिरअन की कौम में से किसी शख्स को देखते तो वो घबरा जाते डर जाते थे इस कदर कौम जो थी बनी इसराइल कांप उठती थी किसी किबती को देख करके यह हालत कर दी थी फिरा ने क्योंकि उसने जो है अपनी कौम को जो है बहुत छोटा पाया और पूरी की पूरी जो फिरौन की कौम थी उसने उसकी इतहात की नतीजा ये हुआ कि इस कदर जुल्म के पहाड़ ढाए उसने बनी इसराइल पर कि अल्ला ने हजरत मूसा सलातम को मबूस फरमाया और हजरत मूसा सलातम को फिर के महल के अंदर अल्लाह रबी ने पाला और उनकी परवरिश हुई वहां पर उसके बाद नबोत था कि अल्लाह आलमीन ने गोहे तूर पर और उसके बाद बाद में अल्लाह व तआला ने हुक्म दिया कि जाओ फिराउन की तरफ जाओ और हारून को भी साथ में लेके जाओ हजरत मूसा सलात ये वह नबी हैं कि जिन्होंने सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर कोई भाई है तो वह हजरत मूसा सलातम है जिन्होंने सबसे ज्यादा अपने भाई पर एहसान किया है कौन से भाई हजरत हारून आसलाम और कहा अल्लाह तला तू मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे मेरा वजीर बना दे कि मेरे साथ जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र में दाखिल होने से पहले पहले नबोवत अता की फिर ये दोनों फिरौन के पास पहुंचे और खैर दावत तबलीग का काम किया नरमी से गुफ्तगू की लेकिन फिरौन बड़ा जालिम व जाबिर था बहुत ही जालिम व जाबिर बादशाह है अहले इल्म कहते हैं कि उससे बड़ा जालिम व जाबिर आज तक नहीं गुजरा है आज तक नहीं गुजरा है उसने तीन मरतबा हजरत मूसा सलात को कत्ल करने की साजिश की थी पहली मरतबा उनकी पैदाइश से पहले जो कत्ल करता था बच्चों को हुक्म दिया था लेकिन अल्लाह ने बचाया दूसरी मरतबा हां दूसरी मरतबा जब हजरत मूसा सलात ने उसकी दाढ़ी के पांच बाल उखेड़ लिए थे बचपन में पांच छह साल के थे तो उस वक्त भी उसने इरादा किया था कत्ल करने का और तीसरी मरतबा जब हजरत मूसा सलातम ने किबती को कत्ल कर दिया दफा घूसा मार करके उसके सर पर मर गया वहीं पर ढेर हो गया तो उस वक्त भी उसने हजरत मूसा सलाम को कत्ल करने की साजिश रची लेकिन अल्लाह सुबहान तचाया खैर जब ये सारे जुल्म हो बहुत ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ गई कहते हैं ना जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है तो अल्लाह सुबहान तारा ने उस वक्त हजरत मूसा सलात को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर के वो रात में निकल जाए ये समंदर के पास पहुंचे उधर फिर अपने लश्कर को लेकर के मूसा सलातम के पीछे हो लिया जब इन्होंने एक दूसरे को देखा तो बनी इसराइल ने कहा इन आज तय है हम पकड़े जाएंगे डर गए घबरा गए कि भाई वो घोड़ों के साथ और अपने हथियारों के साथ और तैश में गजब में फिरौन निकल रहा है कहा तय पकड़े जाएंगे आज कोई नहीं रोकेगा हमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा यकीन था अल्लाह की जात पर कितना कामिल ईमान था फरमाया कल्ला कल्ला हरगिज नहीं हो ही नहीं सकता कल्ला हरगिज नहीं हो ही नहीं सकता क्यों मा या रब्बी सया मेरा रब मेरे साथ है वो मेरी रहनुमाई करे अल्लाह कितना बड़ा दर्श हमें मिलता है कि वह बंदा के आगे समंदर और ऐसा समंदर जो तलातुम खेद उसकी मौजें हो जबरदस्त लहरें उठ रही हों आगे समंदर है पीछे दुश्मन है दाई तरफ पहाड़ है बाई तरफ पहाड़ है कहा जाए और छह लाख की इस्लामी जो इस्लामी मर्रखीन है वो बयान करते हैं कि उस वक्त अल्फ़ सि लाख तादाद थी बनी इसराइल की छ लाख बनी इसराइल की तादाद थी इतनी बड़ी कौम जो बनी इसराइल थी हजरत मूसा सलातम की उनको लेकर के वो निकल रहे हैं आगे समंदर है पीछे दुश्मन है दाएं तरफ़ बाएं तरफ़ में पहाड़ियां पहाड़ियां हैं अब करें तो करें क्या वो उसी पर बनी इसराइल डर गए घबरा गए हजरत मूसा सलाम फरमा डरने की कोई बात नहीं है मेरा रब मेरे साथ है वो रहनुमाई फरमाएगा खैर अल्लाह सुबहान तै ने हज़रत मूसा सलात और उनकी कौम बनी इसराइल को नजात दी और समंदर जो है पार करवा दिया उधर फिरहन का लश्कर जैसे ही दाखिल हुआ समंदर के बीच बीच में पहुंचा फिर और उसका लश्कर अल्लाह ने उसे इबरत का निशान बना दिया और घर काब किया जब यहूदियों ने इसका तذکرہ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया तो अल्लाह के नबी सलातोम फरमाया नहुनु अहक्कु मिनकुम बिमूसा हम तुमसे कहीं ज्यादा मुस्तक़ हैं मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी के इत्तबा के क्यों क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम कौन है भाई अल्लाह के नबी हैं और मैं भी एक नबी हूं जैसा कि अल्लाह के हैं हम असल मिलत हैं हम असल मिलत मूसा पर हैं हम असल मिल्ल याकूब यूसुफ पर हैं हम असल ज्यादा हकदार हैं और ज्यादा मुस्तक हैं तुमसे हजरत मूसा सलातम के उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद वसल्लम ने रोज़ा रखा आशूरा का अच्छा एक चीज और आती है बाज़ रिवायतों में एक मुस्लिम की रिवायत है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ये रोज़ा रखा था आशूरा का ये किस लिए रखा था तो वजाहत मौजूद है कि फसाम मूसा शुक्र हजरत मूसा सलाम ने रोज़ा रखा आशूरा का अल्लाह हरबुलआलम का शुक्र अदा करते हुए शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा तो अल्लाह के नबी व फरमाया कि हम तुमसे ज्यादा मूसा सलातम की पैरवी के इतबा के मुस्तक हैं और हकदार हैं उसके बाद हदीस में आता है कि अल्लाह के नबीम खुद भी रोज़ा रखा और साथ ही आप सल्हम ने अपने साहब इक्राम को उसके रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया लेकिन एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाया सूमू यौम आशूरा कि तुम आशूरा का यानी दसवीं मुहर्रम का रोजा रखो लेकिन आगे क्या फरमाया वो देखिए फरमाया खालिफुल यहूद और यहूदियों की मुखालिफत करो क्या मतलब है मुखालिफत करो अल्लाह के नबी वसल्लम की एक दूसरी हदीस से पता चलता है नबी अकरम अक्रम बकी अगर मैं बाहयात रहा अगर मैं बाकी रहा आने वाले साल तक लासे तो मैं तासुआ यानी नबी मुहर्रम का भी रोजा रखूंगा यहूदियों की मुखालफत करते हुए क्योंकि यहूद जो है वो रोजा रखते हैं आशूरा का दसवीं मुहर्रम का और अगर, अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी बख्शी इमाम तो मैं नबी का भी रोजा रख रक, रखूंगा इसलिए अहले इल्म कहते हैं कि असल सुन्नत यह है कि इंसान यानी खास तौर पर मुसलमान नबी का रोजा रखें फिर साथ में दसवीं का रोजा रखें यह अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की असल सुन्नत पर रहना है क्योंकि यहूदियों की मुखालफत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा की है और जरूरी भी है और जगह जगह आप देखेंगे अहादीस में आप सल्ला ने यहूदियों की मुखालफत पर और मुशरकों की मुखालफत पर उभारा है तो यहां पर एक तो यह कि आशूरा का रोजा सुन्नत है सुन्नत मुअक्कदा भी कहा गया है बाज अहले अह ने कहा है कि ये मुस्तहब है और सुनत मुअक्कदा है और तासुआ का यानी नवी तारीख का रोजा इसलिए रखा जाएगा क्योंकि इसमें क्या है यहूदियों की मुखालिफत है एक तो यह अब मिसाल के तौर पर कोई शख्स है किसी उज्र की वजह से वो नौ तारीख का रोजा नहीं रख सका अब वो क्या करेगा तो अहल इलम कहते हैं कि असल जो मकसद है यहूद की मुखालिफत का वो ये है कि वह सिंगल रोजा रखते हैं हमें क्या करना है डबल रोजा रखना है दो रोजे रखना है अब तरीका क्या है कि नवी तारीख का अगर उज्र की वजह से रोजा छूट गया है तो आप दसवीं का रखें फिर ग्यारहवीं का रखें लेकिन आमतौर पर ऐसा कमी होता है हाँ किसी के साथ अगर उज्र है तो वो ऐसा कर सकता है ऐसा करना उसके लिए जायज है वल्लाहु आलम बाज़ अहले इल्म ने माह मुहर्रम के पूरे रोजे रखने को भी मशरू करार दिया है कहते हैं कि चूंकि यह हरमत वाला महीना है और खसूसी तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की नस्बत अल्लाह की तरफ की है अल्लाह का खास महीना है इसलिए बंदे को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा नफली रोजे इस महीने के अंदर रखे बादल इम ने यह बात कही है अगर कोई शख्स रखता है तो अहल इलिम कहते हैं कि उसको मना नहीं किया जाएगा लेकिन मुझे जो ज्यादा बात बेहतर मालूम होती है वो ये है कि जो कुछ अल्लाह के रसूल से साबित है हम उसको करेंगे और उस पर अमल करना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत उस चीज के जो अल्लाह के नबी वसल्लम से साबित ना हो भाई अगर हम ये मान लीजिए ठीक है ये हरमत वाला महीना है हम मानते हैं और बिला शुबा तस्लीम भी करते हैं ये हरमत वाला महीना है अगर ये इस कदर अल्लाह के नबी जनाब महम्मद रसोल्ला या यह आपके सहाबा से साबित होता तो सहाब कराम पूरे महीने का रोज़ा रखते नहीं रखते रखते कि नहीं रखते भाई हरमत वाला महीना है तो रखते किसी साहबी से ऐसा नहीं मिलता है मेरे इल्म के मुताबिक और इसी तरह अल्लाह के नबी जनाब महमद रसोल्ला के बारे में आता है कि मदीना में जाने से पहले मदीना की तरफ हिजरत करने से पहले पहल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक रोजा रखते थे कौन सा रोजा आशूरा का रोजा लेकिन मदीना में जब आप पहुंचे और यहूदियों से इसका सबब मालूम किया कि वो भी रोजा रखते हैं और नसरानी क्रिश्चियन भी रोजा रखते हैं इसी तरह हजरत आयशा रज्ला तरमाती है कि कुरैश भी जमान जाहलीत में आशूरा का रोजा रखते थे पहली नई बात नहीं थी उनके यहां बहुत पहले से ही लोग चूंकि कुरैश में से बाज लोग किस पर थे मिल्ल इब्राहिमी पर थे मिल्ल इब्राहिमी पर थे और हजरत मूसा मूसलातम का जो किस्सा जिक्र किया वो किसने जिक्र किया यहूदियों ने जिक्र किया कि अल्लाह ने हजरत मूसलम को फिरा पर और उसके लश्कर पर गलबा अता किया है इसलिए हम ऐसा करते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा पहले से रखते थे आशुरा का लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह उम्मीद जाहिर की किश्तू और एक बकी तू अगर मैं जिंदा रहा अगर मैं बाकी रहा आने वाले साल तो मैं नबी का भी रोजा रखूंगा लेकिन इमाम जनाब मोहम्मद अगले साल तक जिंदा नहीं रहे आप सल्ला वफात फरमा गए इसलिए इल्म ने सराहत के साथ ये बात कही है किसम कि अल्लाह के नबी वसल्लम से माह मुहर्रम की फजीलत में सिवाय रोजे के कोई चीज भी साबित नहीं है हाँ कसरत से इबादत कीजिए क्यों क्योंकि ये मोहतरम महीना है ठीक है ये जाएगा लेकिन अपने तरफ से कोई ऐसी चीज घड़ना अपनी तरफ से कोई नई इबादत घड़के लाना यह साबित नहीं है इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं भैया तो आप रोजा रोजा मिसाल के तौर तो पर नफली रखना चाहते रखिए सोमवार का कोई रोजा रखता है रखिए जुमेरात का रखना चाहता है रखिए अय्या में बीस तेरहवीं चौदह पंद्रहवीं का रोजा रखना चाहे, रखिए कसरत से रखिए बेहतर रहिए लेकिन कोई ऐसी इबादत अपनी तरफ से दाखिल करना जिसका ताल्लुक अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद वसल्लम की सुन्नत से ना हो वो क्या है दुरुस्त नहीं है और ऐसी चीज ही बिदात है आइए दूसरी किस्म की तरफ आते हैं सुनन और बिदात सुनन का माना मफहूम हो गया हमने जिक्र कर दिया कि इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ क्या साबित है रोजा रखना साबित है आशूरा का लेकिन हुक्म दिया गया यहूद की मुखालफत में कि हम एक और रोजा मिला लें या तो एक दिन पहले का रख लें या फिर एक दिन बाद का रोजा रख लें नवी दसवीं या दसवीं ग्यारहवीं तारीख यह सुन्नत है बस यही मशहूर है और कुछ नहीं बिदात सबसे पहले बिदत क्या चीज है इमाम शात भी रहमोल्ला की मशहूर किताब है अल अहतसाम उन्होंने जिक्र किया है तरीक़ा मुख्तारातन कि ऐसा रास्ता ऐसा तरीका जिसको दीन में ईजाद किया गया हो घड़ करके लाया गया हो तुजा ही यह शरिया, जो बजाहिर यानी जाहिर में आपको यह लगेगा कि यह शरीयत के मुशाबे है शरीयत के मुमासिल है यानी ऐसा लगेगा कि बिल्कुल शरीयत, शरीयत ही है गोया के भाई जो लोग बिदती होते हैं तो वो जाहिर तौर पे तो यही कह कहते हैं ना कि ये भी इबादत है इबादत समझ के ही तो बिदत को ईजाद करते हैं वो लोग नहीं करते हैं तो शरीयत के मुशाबे होगा वो शरीयत के होगा ज़ाहिर में और मकसद क्या होता है उस तरीके को अपना करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना सबसे पहले क्या कहा गया तरीका कोई भी रास्ता कोई भी तरीका मुख्तरा फ्दीन जिसको दीन में घुसाया गया हो ईजाद किया गया हो अब आइए अल्लाह रब्बुल क्या फरमाता है अल्लाह फरमाता है आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। अल्लाह ने जब दीन को मुकम्मल कर दिया तो अब नई इबादत को दाखिल करने की जरूरत क्या है गोया कि मालूम यह हुआ कि जो अहल बेदात हैं जो बेदाती हैं उनके यहां दीन नाकिस हुआ अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए आज दीन को मुकम्मल कर दिया है और जिस बिदात को करता है या अहले बिदात जो असहा बिदात है जो बिदत को ईजाद करते हैं गोया के वो अल्लाह सुबहाना वाल को यह करार देते हैं कि अल्लाह सुबहाना ने दीन मुकम्मल नहीं किया है तभी तो वह बिदत को दाखिल कर रहे हैं इसलिए अहल इलम कहते हैं इमाम सुफियान सहमत का बड़ा मशहूर कौन है वो फरमाते हैं कि एक गुनाह करने वाला बहुत जबरदस्त पॉइंट है बहुत अच्छी चीज है बहुत इल्मी फायदा है इमाम सुफियान सौर फरमाते हैं कि गुनाह करने वाला चाहे वो बदकार हो चोरी करने वाला हो सूद खाने वाला हो किसी ना किसी दिन तौबा कर लेगा गुनाह करने वाला किसी ना किसी दिन तोबा कर लेगा क्योंकि उसे मालूम है ये गुला है उसे मालूम है ये मासीत है ये अल्लाह की ना फरमानी वो तोबा कर लेगा लेकिन ऐसा शख्स जो बिदाती हो ऐसा शख्स जो बिदाती हो वो अपनी बिदात से तोबा नहीं करने वाला क्यों क्यों नहीं करेगा अपनी हाँ यही बात है कि वो बिदात को इबादत समझता है वो कहता है वो इबादत है जब उसने बिदात को इबादत समझ लिया तो अब भाई कौन है जो इबादत को छोड़कर के किसी दूसरे रास्ते की तरफ चला जाएगा उसके जहन में पहले ही से ये घुसा हुआ है कि ये बिदात जो है ये लोग हमें कह रहे हैं कि हम बेदती हैं ये लोग कह रहे हैं कि ये बेदत है लेकिन मेरे नजदीक तो ये इबादत है ना जब इबादत है तो मैं क्यों छोड़ू तो इसलिए इमाम सुफियान सॉरी फरमाते हैं कि शैतान ने इबलीस ने एक ऐसा सोशा जो है बनियादम में छोड़ दिया है कि वो गुनाह से तो तौबा कर लेगा लेकिन बिदात से तौबा नहीं करेगा इसलिए आप लाख तकी कीजिए लाख खिताब कीजिए लाख समझाइए बहुत कम ऐसे होते हैं बिदाती जो आपकी बात को जल्दी कबूल करें माह मुहर्रम की जो बिदाते हैं वह हमारे और आपके सामने बिल्कुल वाजे हैं लेकिन हम सबसे पहले यह बयान करेंगे कि माह मुहर्रम के ताल्लुक से जो बिदातें ईजाद की गई हैं उसमें दो गिरोह पाए जाते हैं और दो तरह की बिदातें हैं पहला गिरोह रवाफिस का है राफजियों का है शियों का है शियों का एक फिरका है क्या है राफजी राफिजा जिनको कहा जाता है दूसरा गिरोह नवासिब का है नासवी जिनको कहा जाता है और आपने सुना होगा कुछ लोग हम लोगों को नासिबी बोलते हैं हां रा, रा, राफि जो है हम लोगों को नासिबी बोलते हैं मैं आपको बता दू तो ये दो गिरोह हैं एक है रवाफिज राफिज़ा का गिरोह और दूसरा गिरोह है नवासिब नासिबा का गिरोह रवाफिज जो है राफिजा जो है इन्होंने क्या बिदअत इजाद की माह मुहर्रम में इन्होंने बिदात हजन यानी ऐसी बिदअत जिसमें इन्होंने गम का माहौल बनाया हजरत किसकी शहादत हुई आशूरा को हां हां हजरत हुसैन बिन अली अन्हुमा की शहादत दस मुहर्रम को हुई है अब इन लोगों ने बिदत जात की कौन सी बिदत मातम की बिदत नौहे की बिदत और भी बहुत सारी बिदतें हैं जिक्र करेंगे इंशाल्लाह हम तो सबसे पहले राफिजियों ने मातम और नौहे की बिदत को ईजाद किया क्यों राफिजी खुद को ये बोलते हैं कि वो अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते हैं उनको अहले बैत से यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों से बहुत मोहब्बत है इसीलिए वो कहते हैं कि हजरत फातिमा रजियला के लाल बेटे अल्लाह के नबी अक्रम सजरत हुसैन रदी अल्लाह तू की शहादत हुई है और ये जरूरी है उम्मत पर कि वो गम का माहौल बनाए गम करे इसलिए आप देखेंगे कि राफिजी हमेशा आपको जो मिलेंगे उनके जो बड़े बड़े पादरी उनके वो आपको मिलेंगे कि वो बिल्कुल काले कपड़े पहनते हैं राफजी हमेशा आपको ज्यादातर आपको मिलेंगे खास तौर पर मुहर्रम के महीने में कि पूरे के पूरे काले कपड़े पहनते हैं वो लोग क्योंकि काला कपड़ा पहनना उनके यहां किस चीज की दलील है हाँ मातम की और नौहे की दलील है जी हाँ तो यह भी दत किसने ईजात की मातम की और नौहे की राफिजियों ने एक दूसरा गिरोह है जिसने बिदात ईजाद की है खुशी की बिल्कुल अपोजिट है उसके बिल्कुल उल्टा है इधर किस चीज की बिदात थी गम का माहौल बनाया इन्होंने किसने राफिजा ने रवाफिज ने और दूसरा जो है फिर है नवासिब का नासबी इन्होंने खुशी का माहौल बनाया क्यों भाई ये क्यों खुश है और ये क्यों गम है इनके बारे में मालूम हुआ कि रवाफिज जो हैं वो अहल बैस से मोहब्बत करते हैं जैसा कि वो अपने दावे में अपने दावे में वो कहते हैं कि हम अहल बैस से मोहब्बत करते हैं इधर नवासिब जो है वो अहल बैस से दुश्मनी करते हैं इधर मोहब्बत की बात कही गई और इधर दुश्मनी की बात कही गई तो जिस तरफ मोहब्बत की बात कही गई है वहां पर किस चीज का माहौल होगा हजरत हुसैन रजी की शहादत पर गम का मातम का का और जिस तरफ यह बात कही गई है कि हम अहल बैस से दुश्मनी करते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर किस चीज का माहौल होगा खुशी का माहौल होगा तो ये दो किस्म की बिदातें उम्मत के अंदर डर आई घुस आई एक बिदत बिदत हस्न है गम की बिदत जो मातम की शक्ल जिसने इख्तियार की और दूसरी बिदत जो है खुशी की बिदत इसलिए आप देखेंगे कि ये लोग बहुत खुश होते हैं नवासे माह मुहर्रम में बेहद खुश होते हैं हती के इस कदर खुश होते हैं कि ये लोग सुरमा लगाते हैं गुस्ल तो करने के बाद उसके बाद खुशबू लगाते हैं नया कपड़ा पहनते हैं यानी इस कदर चूंकि हजरत हुसैन रजी अल्लाह बैत में से हैं इन्होंने इनसे दुश्मनी इख्तियार करते हुए मामले को दूसरी तरफ मोड़ दिया और कहा कि हम अपने घर वालों को अपने बच्चों को बच्चियों को और तमाम लोगों को यह हुक्म देते हैं कि वह इस दिन में खुशी का माहौल बनाएं। दोनों तरह की हैं कि एक तरफ मातम इस कदर मातम होता है इस कदर मातम होता है कि सीने को पीटा जाता है और बल्कि सीनों को छोड़िए उनके हाथों में बेल्टे होती हैं और ना जाने कौन कौन सी नौजबिल्ला चीजें होती हैं वो लेकर के वो अपनी पीठों पर जोर जोर से मारते हैं इस जोर से मारते हैं कि उसकी वजह से उनकी पीठों पर जख्म बन जाते हैं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आप लोगों ने भी देखा होगा यूट्यूब वगैरह पर सर्च करके देख देखेंगे छोटा सा बच्चा दो साल का तीन साल के बच्चे को लाते हैं और उसके सर के बीच में से वो लोग चीर देते हैं मातम के नाम पर ये क्या, है? ये क्या है ये जुल्म नहीं है कौन सा मातम है हमजर से बड़ा कौन शहीद है बताइए मुझे सैयद जिसे कहा गया कि तमाम शहीदों का सरदार अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसुल्लाम ने जिसे कहा हो करार दिया हो जंगे अहद में शहीद किया गया हजरत हमजा रजी अल्लाह रद्ला को जिनको सैदुल शहदा कहा गया उनका मातम नहीं है पहली बात तो मातम यह मशरू ही नहीं हमारे दिन में क्या फरमाया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सलाम ने हमें से नहीं है वो शख्स हमारे हमें से नहीं है क्या मतलब हमारे तरीके पर नहीं है वो शख्स कौन शख्स मल्लतमल खुदूत जो गालों पर थप्पड़ मारे वह शक्कल गरीबान चाप करे, जाहिलिया और जो जाहिलियत की पुकार पुकारे ये मातम ये नौहे ये रोना ये पीटना सीना कूबी अपनी पीटों को जख्मी कर देना अपने बच्चों के सर को बीच में से काट देना हाँ ये सही बात है बच्चों बच्चों तक को नहीं छोड़ दे ये लोग मासूम बच्चों को ये क्या है ये इस्लाम है इसे इस्लाम कह सकते हैं नाम दे सकते हैं इस्लाम का इस्लाम तो नरम नरमी इख्तियार करता है नरमी की तरफ तरगीब देता है इस्लाम ये बेहूदगी की दावत इस्लाम नहीं देता है क्या फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो कितने दिन तक मनाना जायज है जी अगर कोई शख्स मर जाए तो कितने दिन तक मनाना जाए तीन दिन सिवाय बीवी के कि अगर उसके शोहर का इंतकाल हो जाए तो चार महीने दस दिन तीन दिन से ऊपर सोग मनाने की इस्लामी शरीयत ने इजाजत नहीं दी है मशरू क्या है रोजा रखना रोजा नहीं रखा जाता है कूबी मातम ये वो और जो हां और बता जब बिदत आएगी साहब तो जो अच्छे लोग हैं उनको बुरा कहा जाएगा है कि नहीं अबू बकर लानत उमर पर लानत, उस्मान पर लानत आयशा रजी अल्लाह पर लानत भेजते हैं ये लोग क्या कोई मुस्लिम अहले सुन्नत में से सुन्नी शख्स इसको पसंद कर सकता है ना उसमें? एक शख्स की वजह से रजियाल्लाजरत हुसैन रजियाल्लाजीम का मरतबा दिया बिलाशुबा अल्लाह के नबीम ने उनके फसा बयान की हुमा ये दोनों दुनिया के अंदर मेरे दो फूल हैं हसन हुसैन इज्जत करते हैं साहब है। है लेकिन उनकी वजह से जो अजिले साहबा है बड़े बड़े साहब उन पर लानत भेजी जाए एक तरफ अहले बैद की मोहब्बत का दावा है और दूसरी तरफ दीन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं आप जरा पढ़िए इन लोगों ने किस किस तरह से सहाबे कराम पर तानो तशनी ये दिन किससे आया है हम तक कैसे पहुंचा है कैसे पहुंचा हम तक यह दिन कौन लेकर के आया ये दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसोल्लाम के प्यारे सहाबा सच्चे सहाबा वो सहाबा जो अल्लाह के नबी अक्रम सलम के लिए अपनी जान अपने माल को हर वक्त कुर्बान करने के लिए तैयार रहे ऐसे सहाबी को बुरा कहा जाता है जिसके बारे में अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि लोगों सुन लो सबसे ज्यादा मुझ पर जिसने एहसान किए हैं वो अबू बकर है उसने अपनी जान की भी बाजी लगाई है मेरे लिए अपने माल को भी कुर्बान किया है बताइए अबू बकर सिद्दीक رضی اللہ تعالی जैसी शख्सियत पर ये लोग लानत पान कर ये कौन सा मातम है ये कौन सा नौहा है कि तुम मातम भी मनाओ नौहा भी करते फिरो और गलत किस्म की बिदते भी ईजाद करते फिरो और उसके बाद जो असल दीन को लाने वाले हैं जिन्होंने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसोल्लासलम के नूर से चराग से दीन को हम तक पहुंचाया है उनको बुरा भला कहा जाए

पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दे अल्लाह के रास्ते में तब भी वो मेरे सहाबा ने जो एक मुद 600 ग्राम एक मुद कितना होता है 600 ग्राम या उससे आधा यानी 300 ग्राम भी अगर मेरे सहाबा ने कुछ खर्च किया है अनाज में से गेहूं चावल तो वो उस तक नहीं पहुंच सकता बताइए कितनी बड़ी फजीलत है कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है सहाबा इकरम रिजवानुल्ला अलैहि मज्मैन का सिवाय तीन चार साहबा के ये सारे के सारे साहबा को गाली देते हैं ये रवाफिद इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहूदियों से भी ज्यादा बदबخت तो लोग अगर रूए जमीन पर हैं तो वो कौन है रवाफिज है यहूदियों से भी ज्यादा का है यहूदियों ने कम से कम हजरत मूसा की तारीफ तो की है इन्होंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद पर भी बहुतान बांधा हुआ है बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तो को नहीं छोड़ा है इन्होंने एक किताब है एक राफजी की इब्न है उसकी किताब है मिनजुल करामा मैंने पूरी किताब पढ़ी है दो सौ अट्ठाईस सफे की किताब है इस कदर उसने गालियां दी हैं हजरत अबू बकर दीगर साहब कराम मजमैन को कि आदमी जो पढ़ेगा तो समझ लीजिए सिर्फ गुस्सा आएगा और कुछ नहीं और तब हकीकत मालूम होती है कि इन लोगों ने दीन के अंदर किस किस्म किस की खुराफातें दाखिल की हुई हैं किस किस किस्म की बिदतें दाखिल की हैं यह राफी हो गए दूसरी तरफ चलते हैं नवासिफ जिनको नासिबा कहा जाता है ये कहते हैं कि हम अहले बैत से दुश्मनी करते हैं और उसकी वजह से इनके यहां क्या बिदत है ये खुशी मनाते हैं ईद मनाते हैं उसने आप क्या समझते हैं ये जो शरबत पिलाते हैं लोगों को सड़कों पर या जो सबीले निकलती हैं या ताजिए वगैरह निकाले जाते हैं ये सब क्या ये खुशी नहीं है ये ईद नहीं है? है एक तरह की ईद है कि नहीं है कुछ लोग जो है मिठाइयां भी तकसीम करते हैं कुछ लोग शीरीनी तकसीम करते हैं कुछ लोग सबीले निकालते हैं ताज़िए निकाले जाते हैं और अपने बच्चों को हुक्म दिया जाता है कि वो ताज़ियों के नीचे से गुजरें और क्या कहते हैं कि ये इबादत है बिल्ला मिसाल नौज अजीब बेवकूफी है मतलब खुद हाथ से उसको बनाया जाता है और उसके बाद जो है बच्चों को हुक्म दिया जाता है कि उसके नीचे से गुजरा जाए कहते हैं कि इससे जो है बच्चा पाक को साफ हो जाएगा मतलब ये कि अब तक गंदा था बच्चा मतलब हंसी आती है ऐसी ऐसी बेहूदगी और ऐसी ऐसी हिमाकत इन लोगों के यहां मौजूद है हमेशा याद रखिए एक बात मैं कहता हूं कि हर वो शख्स जो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद वसल्लम की सुन्नत को छोड़ करके अपने अकली घोड़े दौड़ाएगा यकीन कीजिए वो कभी कामयाब नहीं हो सकता और कभी भी खुश भी नहीं रह सकता कभी भी खुश नहीं रह सकता हमेशा तंग रहेगा वो उसका सीना तंग रहेगा उसका दिल तंग रहेगा और दूसरी बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कह दे अल्लाह के नबी सल्लम के घर वालों को बुरा कह दे साहब कलाम को बुरा कह दे अर्श वाला जिसकी तारीफ़ करता हो उसको बुरा कह दे तो क्या वो शख्स खुश रह सकते हैं दुनिया में हमेशा तंग रहेंगे ऐसे लोग हमेशा परेशान रहेंगे और अलहमदिल्ल अल्लाह का शिक्र एहसान है कि वह लोग जो प्यारे नबी जनाब महम्मदरसोल्ला सल्ला व्ल्म की सुन्नतों को अपनाते हैं आप के तरीक़े को अपनाते हैं वो दुनिया में भी खुश रहते हैं और इन शाह आखिरत में भी वो सुरख रू होंगे ये चंद बातें थीं जिसको हमने आपके सामने मुख्तसरन बयान किया रब्बुल रब्बालमीन से दुआ करते हैं आमीन इस महीने के अंदर जो अल्लाह के वसल्लम ने फ़रमाया है कि आशूरा का रोज़ा रखो और एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबीम ने यह भी फरमाया इन्नी आह तसब्लाफिर कबला के मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ सवाब की कि अल्लाह रबालमीन आशूरा के रोजे रखने की वजह से अल्लाह सुबहाना पिछले एक साल के गुनाह माफ फरमा देगा बताइए माशाल्लाह कितना बड़ा सवाब है किसी और शरीय में मिलेगी आपको हा? कहीं किसी और रिलीजन में इस तरह की बातें मिलेंगी आपको नहीं मिल सकती तो है अल्लाह ने मौका हमें दिया है अल्लाह बार बार मौके दे रहा है अभी आप जिलहिज्जा से गुजर कौन सा रोजा रखा आपने अरफा का रोजा रखा उससे दो साल के गुनाह माफ अगले साल के और पिछले साल के फिर रोजा रखिए आप आशूरा का माशाल्लाह और फिर दूसरी बात यहूदियों की मुखालत में रखिए नियत करते हो कि हम यहूदियों की मुखालिफत करेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है तब तो और सवाब मिलेगा माशाल्लाह समझ रहे हैं कि नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शरीयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी ऐसी इबादतें रखी हैं जो हमारे अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देती हैं अल्लाह व तआला जो कुछ हमने सुना जो कहा गया इस मुबारक महफिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता तोफ़ी क़ता आलमीन जो भी इस महफ़िल के अंदर मौजूद हैं जो मुबारक महफ़िल है जो इसमें मौजूद हैं जिन्होंने तेरे दीन की बातें सुनी हैं ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तो उनसे तुस्से दुआ करते हैं कि हम तमाम लोगों की मुलाकात इसी तरह जिस तरह हम यहाँ बैठे हुए हों फिरदौस में भी करा अलमीन तुस्से दुआ करते हैं कि हमसे जो ग़लतियाँ हो गई हैं जो नाफ़रमानियाँ हो गई हैं इालमीन हम तेरे गुनहगार बंदे हैं तुझसे ही मांगते हैं हमने जुल्म किया है अपने नफ्सों पर इलामीन लेकिन तू बहुत गफूर रहीम है तेरी सिफत जो है वो रहमत है और तेरी सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन मगफ़िरत भी है इलामीन हम पर रहम फरमा और हमारे गुनाहों को बख्श दे आमीन व आखिर दावाना उदावानादिल्ल रबालमीन सलामकम वरम